अंजली सलूजा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को एक और उपलब्धि मिली है। एसटीआर को देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में दूसरे नंबर की रैंक मिली। यह रैंक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन कार्य, बेहतर टीम के चलते हासिल हुआ है। यह रैंक देश भर के 51 टाइगर पार्क में मिली। लड़कियों के पहनावे पर दिए बयान को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। 3 पेज का ये नोटिस शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने एडवोकेट सौरभ मिश्रा के माध्यम से दिया है। इधर विजयवर्गीय ने अपने दिए बयान पर कहा कि विरोधी भी जानते हैं कि मेरा आशय क्या था। अपने उस बयान पर कोई नया बयान नहीं देना चाहता। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि मेरा क्या आशय था। यह जवाब उन्होंने जबलपुर में सोमवार को दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार पुनः पद यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा बुंदेलखंड में होगी। दिग्विजय सिंह की यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय की बुंदेलखंड यात्रा भाजपा के लिए शुभ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अब जितनी भी यात्रा कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में सोमवार को होने वाली सभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। उसके साथ सभी कक्षाओं को भी आगामी आदेश तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है। उसके बाद हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं का भी प्रोटोकॉल के तहत कोविड जाँच होना है। करौली हॉस्पिटल में बिजली कटौती से ठप होने वाली व्यवस्थाओं और गर्मियों में रोगियों को होने वाली परेशानी से अब निजात मिलेगी। अस्पताल में अब सूरज की रोशनी से बिजली आपूर्ति होगी। नई व्यवस्था के तहत हॉस्पिटल में सोलर पावर ग्रिड सिस्टम लगाया जा चुका है। इससे न केवल जिला अस्पताल में बिजली संकट दूर होगा, बल्कि हर साल बिजली पर खर्च होने वाले लाखों रुपए भी बचेंगे। अस्पताल में बिजली व्यवस्था के लिए फिनिश सोसाइटी ने SBI कार्ड के CSR फंड के सहयोग से 150 किलोवाट का सोलर पावर ग्रिड सिस्टम स्थापित किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।